दरअसल टबैको प्रोडक्ट से होने वाला सालाना रिवेन्यू 43,000 करोड़ रुपए है और इसमें से 80% सिर्फ सिगरेट से आता है। क्या आपने कभी सोचा है सिगरेट की डब्बियों पर ऐसी भयानक तस्वीर क्यों होती है? ऐसी भयानक तस्वीरों का सिगरेट की डब्बी पर होना कुछ फायदेमंद है या नहीं? क्यों कोई टबैको कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स पर ऐसी भयानक तस्वीर छापती है? गवर्नमेंट को इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि वो इसे अब तक बैन नहीं कर पा रही है? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों टबैको कंपनी अपने ही प्रोडक्ट्स पर ऐसी भयानक तस्वीर छापती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसे प्रोडक्ट्स को कूल और अट्रैक्टिव दिखाया जाए। अगर गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं बोलेगी कि ऐसी तस्वीर छापें, तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कूल और अट्रैक्टिव दिखाएंगे, जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे टबैको प्रोडक्ट्स की तरफ। और सबसे ज़्यादा खतरा हमारे यूथ को होगा, क्योंकि यूथ अपने आप को कूल और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अपने आप को कूल दिखाने के लिए यूथ जो है स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। अब बात आती है कि क्या ये जो फोटो सिगरेट की डब्बी पर छपी होती हैं, इनका कोई फायदा है या नहीं? जब एक स्मोकर इन फोटोज़ को देखता है तो सबकॉन्शियसली वो यही सोचता है कि सिगरेट उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। नॉर्थ कैरोलिना और कैलिफोर्निया में 4 हफ्ते के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें 2150 स्मोकर्स ने हिस्सा लिया। 4 हफ्तों तक उन स्मोकर्स को सिगरेट के पैकेट दिए गए। कुछ लोगों को पिक्टोरियल वार्निंग के साथ सिगरेट के पैकेट्स दिए गए और कुछ लोगों को टेक्स्ट वार्निंग के साथ सिगरेट्स के पैकेट दिए गए। इसका रिजल्ट ये निकला, जिन लोगों को पिक्टोरियल वार्निंग के साथ सिगरेट्स के पैकेट दिए गए थे, उनकी स्मोकिंग फ्रीक्वेंसी 40% तक कम हो गई। और जिन लोगों को पिक्टोरियल वार्निंग के साथ सिगरेट के पैकेट्स दिए गए थे, उनमें से 5.7% लोगों ने एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद 1 हफ्ते तक सिगरेट नहीं पी। अब ये आंकड़ा यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अगर बात की जाए पूरे देश की तो यही आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। पिक्टोरियल वार्निंग वाली ये फोटोज एक समय के बाद बदल दी जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही फोटोज को देख देख कर लोग इसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये फोटोज चेंज कर देती है। पूरी दुनिया में 118 ऐसे देश हैं जहाँ पर यह पिक्टोरियल वार्निंग दी जाती है सिगरेट के पैकेट्स पर। हर एक देश में अलग अलग रूल हैं, कितना परसेंटेज एरिया सिगरेट के पैकेट का कवर किया जाना है इस पिक्टोरियल वार्निंग से। और इंडिया में 85% सिगरेट के पैकेट का जो एरिया है वो पिक्टोरियल वार्निंग से कवर किया जाता है। सबसे पहले कनाडा ने इस पिक्टोरियल वार्निंग के रूल को मैंडेट किया। इसके बाद 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने एक नया रूल बनाया कि सिगरेट के पैकेट्स पर कोई भी प्रिंटिंग नहीं होगी, सिगरेट की जितनी भी कंपनियां हैं वो प्लेन पैकेट ही बेच सकेंगी। इसका रिजल्ट ये निकला कि लगभग 15% सिगरेट की सेल में गिरावट आई। इंडिया में 2003 में सिगरेट एंड टबैको एक्ट के तहत एडवर्टाइजमेंट पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया और पब्लिक प्लेसेस में इसके इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया गया। अब 2008 तक पिक्टोरियल वार्निंग का जो परसेंटेज था सिगरेट के पैकेट्स पर वो सिर्फ 40% था। बाद में इसे बढ़ाकर 2014 में 85% कर दिया गया। पिक्टोरियल वार्निंग देने का एक रीज़न ये भी है कि कई देशों में अनपढ़ कंज्यूमर हैं जो कि इस फोटो को देखकर ये समझ पाएंगे कि कितना हानिकारक है सिगरेट का इस्तेमाल करना। 2006 में ITC ने एक सर्वे किया 10 कंट्रीज में, ये जानने के लिए कि लोगों को कैसा लगता है ये पिक्टोरियल वार्निंग देखकर, और वो क्या चाहते हैं कि ये पिक्टोरियल वार्निंग छपी होनी चाहिए या नहीं। और ज़्यादातर यूज़र्स ने यही कहा कि ये पिक्टोरियल वार्निंग देखकर वो डीमोटिवेट होते हैं कि हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 80 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, और इंडिया में 10 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। इन्हीं 10 लाख में से लगभग 5 लाख लोग दिल और सांस की बीमारी से मर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स पर बैन क्यों नहीं लगाती? दरअसल टबैको प्रोडक्ट्स से होने वाला सालाना रिवेन्यू 43,000 करोड़ रुपए है,
और इसमें से 80% सिर्फ सिगरेट से आता है। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है टबैको प्रोडक्ट्स का और साथ ही थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। इसके साथ ही 36 लाख लोग ऐसे हैं जो कि टबैको इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार पा रहे हैं। इनमें छोटे बीड़ी मैन्युफैक्चरर से लेके बड़ी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। अब टबैको प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बैन करने से रेवेन्यू तो जाएगा ही जाएगा और साथ ही 36 लाख लोगों का रोजगार भी जाएगा। टबैको प्रोडक्ट्स के कंजप्शन को कम करने के लिए सरकार अलग अलग तरीकों से लोगों को सचेत करती है, चाहे वो मूवी में स्टार्ट होने से पहले मुकेश वाले डिस्क्लेमर की बात हो या फिर सिगरेट की डब्बी पर दिए गए पिक्टोरियल वार्निंग की। अब ये चीज़ हम सब लोगों पर डिपेंड करती है कि हम ये तस्वीरें देखकर इसे इग्नोर कर देते हैं या फिर इसे समझते हैं कि कितना हानिकारक है टबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। अब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं और इन पिक्टोरियल वार्निंग्स का, सरकार के कैंपेन्स का कितना इफ़ेक्ट पड़ता है एक स्मोकर पर। क्या आप इसे इग्नोर कर देते हैं या ये आप पर एक इफ़ेक्ट डालता है कि हाँ मुझे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये मेरी सेहत के लिए हानिकारक है।